हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल शबीन व्लॉग्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम हमारे न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अपने लास्ट वाले व्लॉग का आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। जो क्लिप्स हैं ये है ईद के इवनिंग टाइम के, और हम सब रेडी होकर जा रहे हैं हिना के घर। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद हिना के घर जा रही हूँ। यू नो, काफ़ी टाइम हो गया है। सो आज उसकी खुशी बहुत अलग थी। और हम लोग जो है फाइनली हिना के घर में एंटर हो चुके हैं। बट अफसोस हुआ यूँ कि हानो घर पर मिल के अगर होती तो अभी बहुत मज़ा आता। सो हमने यहाँ पर सेवैयाँ भी सबसे पहले, और उसके बाद हिना ने हमें छोले चाट दिया था। उन्होंने दही बड़े भी बनाए थे, बट दही बड़े तो मैं खाती नहीं हूँ। सो मैंने कहा हिना मैं दही बड़े नहीं खाऊँगी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें छोले चाट दिया, और हुआ यूँ छोले चाट में भी देने में इतना मज़ा आया, टू टाइम उन्होंने उसमें दही ऐड कर दिया, और दही मैं खाती नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा ऊपर से आप निकाल दो, मैं यूँ ही खा लेती हूँ, चलेगा। एक्चुअली में ऐसे होता है कभी कभार, हमारा माइंड कहीं और होता है तो फिर यू नो। फिर उसके बाद जो है भाभी लोग तो चले गए थे, मैं थी, हम दोनों फ्रेंड्स लोग बात कर रहे थे, और अब्दुल्ला मेरे साथ था। तो हमने सोचा हम थोड़े बहुत रील बना लेते, और अब्दुल्ला को हमने कैमरा दे दिया कि वो हमारा शूट करे। बट वो ठहरा बच्चा, वो शूट कर ही नहीं पा रहा था। सो माशाल्लाह हमने काफ़ी इन्जॉय किया इसमें भी, लेकिन हमारा एक भी रील प्रॉपरली नहीं बना। फिर मैंने अब्दुल्ला से फ़ोन ले लिया, मैंने कहा ये सब होने वाला नहीं है। फिर ट्राईपॉड पे हिना ने फ़ोन को लगाया, लेकिन उसमें भी परफेक्टली नहीं आ रहा था। सो फिर हमारा रील तो नहीं बन पाया, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे बड़े भाई के घर। हमारा जो डिनर था वो वहीं था, और डिनर में था सालन, नान। चिकन का जो सालन था वो ख़त्म हो चुका था, सिर्फ सालन चावल बचा था और नान था। हम काफ़ी लेट आए थे, बहुत यू नो, हमारे बड़े भाई के घर में जो है बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, सो इस वजह से जो है ख़त्म हो गया था। खैर पेट भी बहुत भरा था, खाना तो सिर्फ नाम के लिए था कि हाँ चलो खाना है। सो हमने यहाँ पे डिनर किया, और सालन काफ़ी यमी बनाया था भाभी ने भी। और फिर उसके बाद फिर से फ्रेंड्स ईदी टाइम, और भाभी से ईदी मिला, बड़े भाई से ईदी मिला। सो इसके बाद जो था हम लोग घर पर आ गए, और अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे का क्लिप शेयर करूँगी। और ये है ईद का सेकेंड डे, जो चिकन आप लोग देख रहे हैं, चाय है। मैं काफ़ी लेट उठी थी सेकेंड डे, यू नो मेरी आँखें नहीं खुली क्योंकि मैं इतना थक गई थी। आई डोंट नो क्यों मैं इतना थक गई थी, बट मैं बहुत थक गई थी। पूरा किचन भी मैस है फ्रेंड्स, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। और ये शीर खुरमा जो है वो ईद का ही है, जो गर्म हो रहा है और खाने में यू नो लंच में बन रहा है ईद के सेकेंड डे। चिकन फ्राई, राइस और दाल। और शाम में दावत है बुआ लोगों की, तो वो लोग भी आने वाले हैं। तो इस वक्त जो है सब लोग लंच कर रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ। मैंने तो बिल्कुल भी इस टाइम पे भूख नहीं लगा है। ब्रेकफास्ट में भाभी ने बताया कि भुर्जी बनी थी अंडे की, सो मैं वही खाऊंगी पाव से, और एक ही पाव मैं लंच में खाऊंगी आज, क्योंकि मेरा पेट भी बहुत भरा था और मैं यू नो तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। बट चाय वाय पीने के बाद जो है फिर मैंने अच्छा फील हुआ, और मेरी बड़ी सिस्टर भी आई हुई हैं, सो मेरी नीज लोग भी हैं। काफ़ी इन्जॉयमेंट हो रहा था घर में। और इसके बाद जो है हमने जाना है मार्केट भी, क्योंकि मेरे ईद का जो सेकेंड डे का ड्रेस है उस पर मेरा दुपट्टा नहीं आया था। सो मैं जाऊंगी मार्केट अपना दुपट्टा लेने, और मेरी सिस्टर जो है वो जाने वाली है डी मार्ट, उसे भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। सो फिलहाल तो सब लोग यहाँ पर लंच कर रहे हैं, और मेरी सिस्टर दाल को बहुत इंजॉय कर रही है क्योंकि पूरे रमज़ान बाद उन्होंने आज दाल खाया था, इस वजह से। क्योंकि हम लोग सिर्फ तीन लोग थे तो फेरी में इतना कुछ ये और एक चीज और मैं बता दूं, मेरी सिस्टर जो है वो डाइट पर होती है मोस्ट ऑफ। ना ना, नेचुरल मुझे कम खाने की आदत है। अच्छा। वो अब डाइट कहला रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। अच्छा ठीक है। सो फाइनली मेरे सिस्टर लोगों का लंच करके हो गया है, और आप देख सकते हो कि किचन कितना मेस हुआ है। मेड अभी तक आई नहीं है, बट वो आने वाले हैं। सो मेरी सिस्टर डी मार्ट जाने की तैयारी करने वाली है, और अभी मैं जाऊंगी मुलुंड। सबसे पहले मैं करूंगी लंच, देन उसके बाद मैं जाऊंगी मुलुंड। वैसे मैंने भूख बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत खा लूँ तो चक्कर आएगा। और चिकन फ्राई बना है, सो मैं तो वो नहीं खाऊंगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है चिकन फ्राई खाने का। सो मैं भुर्जी पाव खाऊँगी। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा है कि उन्हें चाय पीनी है मेरे हाथों की। चाय तो मैं भी पीऊँगी क्योंकि सर काफ़ी भारी भारी लग रहा था, लेट उठने की वजह से सर और भी भारी हुआ था। सो चाय तो मैंने भी पीनी है। सबसे पहले मैं अपना लंच कर लूँ। ये है मेरा लंच, और ये चिकन फ्राई है, बट मैं इसे नहीं खाऊँगी। भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा यमी लग रही थी,
और यहाँ मैंने चाय बना लिया है अपने सिस्टर के लिए। सो हम लोग रूम में जाके एसी में बैठकर चाय पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पता है फ्रेंड्स, इतना गर्मी हो रहा है बॉम्बे में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बट चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाय तो हम लोगों को चाहिए। चाय इज़ मस्ट फॉर अस, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। ठंडी में तो खैर सब लोग ही चाय को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, बट हम लोग ऑल सीज़न में चाय हम लोगों को चाहिए। सो सबसे पहले जो है मैंने चाय सर्व कर दिया है मेरी सिस्टर को, और अब मैं चाय को पीऊँगी। और पता है मैं आई थिंक थर्ड टाइम चाय पी जब से मैं सोकर उठी हूँ, लेकिन मुझे यू नो इतना अच्छा लग रहा है। चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, चाय पीने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी अम्मी की ईद के सेकेंड डे का ड्रेस, और सेकेंड वाला जो है वो है कुर्ता, जिसका मैंने दुपट्टा लेना है मुलुन से। मेरे भी दो ड्रेस का दुपट्टा लेना है, अम्मी के भी ड्रेस का दुपट्टा लेना है। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं पहुँच चुकी हूँ मुलुन, और मुलुन के सेवाराम से दुपट्टा लूँगी। मुलुन में जो सेवाराम स्टोर है, काफ़ी पुराना स्टोर है मुलुन का। मैं चाइल्डहुड से यहाँ पर आती हूँ, और एज़ इट इज़ ये स्टोर वैसा ही, कोई भी रेनोवेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। काफ़ी यू नो वैराइटीज़ के दुपट्टाज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, अगर ना भी हो तो ये लोग डाई करके देते हैं, सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने अपने दो ड्रेस का दुपट्टा लेना था, अम्मी के भी ड्रेस का दुपट्टा लेना था। मेरे एक ड्रेस का दुपट्टा मुझे नहीं मिला, ये वाले का, उन्होंने कहा कि वो लोग डाई करके दे देंगे, तो मैंने भी कहा इट्स ओके। वैसे भी मैंने इसे पहनना नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा में ले रही हूँ। मैंने सोचा मार्केट आ ही रहे तो मैं इसे भी ले लूँ। सो जो मैंने ईद का मेरा सेकेंड डे का ड्रेस था, उसका दुपट्टा मुझे मिला। फर्स्ट जो उन्होंने मुझे दिखाया वही मुझे इतना पसंद आ गया, सो यू नो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने उस दुपट्टा को ले लिया, क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच था मेरी ड्रेस पर और बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगा। एक ही लुक में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये नेट का दुपट्टा है, जिसका प्राइस है 300 रुपीज़, और काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी रिजनेबल भी इसका प्राइस लगा। सो मैंने फ़ौरन इसे ले लिया। मैंने ये ड्रेस स्टिचिंग करवाया है टेलर के यहाँ से मटेरियल लेकर, और टेलर ने काफ़ी अच्छा भी स्टिच किया है। सो मेरे ड्रेस का तो हो गया, एक तो डाई करवाना है, और इसका मैंने दुपट्टा परचेस किया है जो कि मुझे एग्जैक्टली मिल गया। और अब मैं लूँगी अम्मी के ड्रेस का दुपट्टा, जो कि कुर्ती है, एक्स्ट्रा में है। सो ये है वो कुर्ती, और इसका दुपट्टा है मैचिंग में नहीं लिया मैंने, कॉन्ट्रास्ट में लिया है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा था। सो मैंने सोचा मैं कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा लेती हूँ एग्जैक्ट मैचिंग लेने से। फाइनली मेरे दुपट्टे का जो शॉपिंग है वो हो चुका है, और मैंने पेमेंट भी कर दिया है। अब मैंने लेना है भाभी की ड्रेस की चूड़ियाँ, जो कि उनकी ईद के सेकेंड डे का ड्रेस है। हम लेंगे चूड़ी, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। फिर हमने भी रेडी होना है, शाम में गेस्ट भी आने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ऑल्सो हिट अ बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।